यात्रा के दौरान राहुल जी से बहुत अच्छी मुलाकात रही और हमने देखा कि उनके अंदर जो विशेष ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और जिसको हम कहते थे सन ऑफ द सोयल कि जमीनी नेता है, उस तरह का एक आभास हमें हो रहा है कि जमीन से जुड़े हुए जो सब लोगों को साथ लेके बिना किसी भेदभाव के इस प्रकार का, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत हिम्मत का काम है। मुझे बताया गया कि वो सुबह 3:30 बजे उठ के 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, 7 किलोमीटर वॉक करते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं और कुल 10-12 किलोमीटर करके, इसीलिए उनको सर्दी नहीं लग रही। सर्दी के मौसम में एक आधी बाजू की टी शर्ट में लोग पूछते हैं क्या राज है, तो अंदर की छुपी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा का स्तर है जो उनको इतनी कामयाबी दे रहा है और जो जन समर्थन उनको मिल रहा है। मैं पैरामिलिट्री की ओर से जो हमारा CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF, आसाम राइफल, ये सारे अर्धसैनिक बल हैं जिनको पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, उन सब का समर्थन राहुल जी के साथ है। क्योंकि हमारे अर्धसैनिक बलों की कोई पहचान नहीं है, इतना त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। अभी 40 जवान हमारे पुलवामा 14 फरवरी 2019 को मारे गए और इसी प्रकार से 76 लोग छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल 2010 को मारे गए। इतना बलिदान देने के बावजूद भी जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में रात दिन लगे रहते हैं, मुश्किल हालातों में हैं, उनकी 2004 से पेंशन बंद है, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड नहीं है, तो उन पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। हमारा यही निवेदन है, जो भी सरकार या जो भी नेता पैरामिलिट्री के मुद्दों को उठाएगा उनका जन समर्थन और हमारा समर्थन उनके साथ होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छा कदम है और ये जरूर इतने विशाल जन समर्थन के साथ देश के अंदर एक परिवर्तन लाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री।